हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से कैनवा में डॉक्स यानी कि डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कैनवा डॉक्स से रिलेटेड हर एक फीचर को बताऊंगा, जिससे कि आप एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर कोई बिजनेस ओनर, आप कैनवा में डॉक्यूमेंट को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले कैनवा वेबसाइट को ओपन कर लेना है। कैनवा को ओपन करने के बाद दोस्तों, आप लोग यहाँ पे डॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास उसका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक पेज आया है और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारा टेम्पलेट है और यहाँ पे एलिमेंट है। आप यहाँ से जो एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से एक टेम्पलेट को ऐड करते हैं। तो दोस्तों, ये टेम्पलेट हमारे पेज पे ऐड हो गया है। अब हम लोग इसे एडिट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं इस टेम्पलेट को चेंज करता हूँ और मैं इस टेम्पलेट को यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से रिप्लेस करंट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा टेम्पलेट रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग इस टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। आप जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप उस टॉपिक का नाम यहाँ पे ऐड कर दें। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। टेक्स्ट को राइट करने के बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ से एलिमेंट वाले सेक्शन में आएंगे और हम लोग यहाँ पे कैनवा के लोगो को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से कैनवा के लोगो को ऐड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हमारा टेम्पलेट सेव होकर हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जिस टॉपिक के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं, आप उस टॉपिक को यहाँ पर मैजिक राइट में आकर सर्च कर लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से अपने टॉपिक को सर्च करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को राइट करने के बाद आप यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जनरेट होने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा आर्टिकल जनरेट होकर आ गया है। अब दोस्तों, यदि आप इसमें कुछ इमेज को ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ लिंक ये सब ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक इमेज को ऐड करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से एलिमेंट्स वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक एलिमेंट को सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पेन और यहाँ से हम लोग इस एलिमेंट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और यह इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया है। अब दोस्तों, यदि आप इस टेक्स्ट को हेडिंग बनाना चाहते हैं या फिर सब हेडिंग बनाना चाहते हैं या फिर इसे बॉडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से इसे सब हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी तरह से आप यहाँ पे इसे बॉडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पे बुलेट लिस्ट जोड़ना हो तो आप यहाँ से लिस्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास बुलेट ऐड हो जाएगा। और यदि आप इसे अलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे अलाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसके स्पेसिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लेटर स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। और यदि आप इसके लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसमें कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं वीडियो का तो आप यहाँ पे एम्बेड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिंक को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा लिंक ऐड हो गया है। अब दोस्तों, यदि आप यहाँ पे कोई वीडियो का लिंक ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा YouTube वीडियो हो गया या फिर कोई और भी वीडियो का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से कोई एक YouTube वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये हमारा YouTube चैनल है और हम लोग यहाँ से इस वीडियो के लिंक को कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो YouTube वाला वीडियो था वो यहाँ पे ऐड हो गया है। आप यहाँ पे इसे प्ले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी तरह से इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं, चेक लिस्ट ऐड कर सकते हैं, बुलेट लिस्ट ऐड कर सकते हैं, नंबर लिस्ट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप चार्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जिस तरह का चार्ट चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पे इमोजी ऐड करना हो तो आप इमोजी को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से इस वाले इमोजी को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो इमोजी है यहाँ पे ऐड हो गया है। और यदि आप कुछ एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एलिमेंट में आकर उस चीज़ को यहाँ पे सर्च करके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप इस तरीके से कैनवा में डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग द बिगिनर फ्रेंडली।